कपास या नरमे की बुआई का समय नज़दीक आने वाला है, तो हमारे किसान भाइयों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कपास की खेती के लिए कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करें जो कि अपने को अच्छा उत्पादन दे सके। इसी के साथ साथ कपास की बुआई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कौन कौन सी बेसल डोज डालें जिससे अधिक उत्पादन मिल सके और अच्छी क्वालिटी का रेशा अपने को प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कपास या नरमा एक प्रकार की नकदी फसल है जो कि 150 से लेकर 170 दिन में तैयार हो जाती है। तो यदि इसकी वैरायटी चयन में गलती कर दी जाए तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर तीन वैरायटी को रखा है। तो पहली वैरायटी की अगर बात करें तो पहली वैरायटी है अपनी यूएसिकम। समय के साथ कपास में रोग व बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसे पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने को ज़्यादा करना पड़ता है, जिसे लागत बढ़ जाती है और मुनाफा धीरे धीरे घट रहा है। तो इसके लिए यूएसिकम इस प्रकार की एक रोग प्रतिरोधक किस्म जो कपास में फेमस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ टिंडे की खुलने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगली दो वेराइटी की अपन बात करें तो राशि 776 व राशि 773। राशि 776 अगेती किस्म है, जबकि राशि 773 थोड़ी लेट वेराइटी है। दोनों वेराइटियाँ अच्छी रोग प्रतिरोधक व अच्छे उत्पादन व क्वालिटी के लिए मशहूर है। इन वेराइटियों का टिंडा पूर्ण रूप से खिलता है, जो कि लेबर या अन्य किसी की तुड़ाई में बहुत अच्छी प्रकार से आ जाता है। तो किसान साथियों, आप इन वेराइटियों का चयन कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाद व बेसल डोज की। बेसल डोज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 50 केजी यूरिया, 150 केजी एसएसपी या 80 केजी डीएपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको एसएसपी नहीं मिल रहा तो आप डीएपी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ 40 केजी एमओपी और 10 केजी आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बुआई के समय कर सकते हैं, तथा 50 केजी यूरिया आपको दूसरी व तीसरी सिंचाई में उपयोग करना है। किसान भाइयों, बुआई के लिए आप गहरी जुताई व रोटोरोवेटर का इस्तेमाल करें, जिससे ज़मीन अच्छी भुरभुरी बन जाए और बीजों का जमाव अच्छी प्रकार से हो जाए। किसान साथियों, अगले वीडियो के भाग में अपन कपास के कीट व बीमारियों के बारे में जानकर उनके उपचार की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी अन्य किसानों को मिल सके और वो किसान भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद किसान साथियों।